हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये ब्लैंक मैप आज आपके सामने है, आपको पूरा फिल करना है। और क्योंकि कुछ जो प्लेसेस हैं वो न्यूज़ में है, जैसे कि जो यूके का अराउंड प्लेस है, जैसे कि जो नॉर्थ सी के पास जो स्ट्रेट्स है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसलिए इसको याद करना हो गया हमारे लिए ज़रूरी। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपको इंग्लिश चैनल कहाँ मिलेगा, थेम्स रिवर कहाँ मिलेगी, और आपको ग्रीस कहाँ मिलेगा, आपको स्लोवानिया कहाँ मिलेगा, छोटी सी कंट्री है, एस्टोनिया कहाँ मिलेगा। ये सब चीज़ें हमें फिर करनी है, एंड दिस इज अ ब्लैंक मैप, बिकॉज हमें हमेशा रिवर्स लर्निंग में भरोसा रखना चाहिए। वी नो वर्ल्ड हिस्ट्री, आई होप पढ़ा होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में पता है जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, और जो सार्डिनिया, सिसिली, इटली, ये सब सार्डिनिया, सिसली, इटली, ये सब जगह पता होंगी। तो अब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप याद कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हाँ भाई आपने, आप बता दिया है, आप हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप अब याद आ गया होगा। ये कौन सा प्लेस है? ये है एस्टोनिया का प्लेस। इसकी कैपिटल क्या है वो भी याद करने वाली चीज़ है। एस्टोनिया की कैपिटल है टैलिन। ओके, इसकी कैपिटल है टैलिन, तो ये याद कर लेंगे, टैलिन है इसकी कैपिटल। फिर इसके नीचे कौन सा है? नीचे ये दोनों पक्का पता होंगे, ये लातविया, लिथुआनिया है। ग्रीस कहाँ पे है मैंने पूछा था, तो ये है ग्रीस। ग्रीस की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, ग्रीस न्यूज में क्यों है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। फिलहाल पहले बॉर्डरिंग कंट्रीज देखते हैं, फिर न्यूज में क्यों है बताऊंगी। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज इसकी कौन कौन सी है, तो ये कौन सी कंट्री है, ये आपकी है अल्बानिया, ये है नॉर्थ मैसेडोनिया, और ये कौन सी है, ये है बुल्गारिया। ओके, आई होप मैं सही बता रही हूँ। ओके, बुल्गारिया ये छोटा सा पार्ट इस्तांबुल का पार्ट है, और ये इटली का, सॉरी इटली नहीं है, ये टर्की है, तो ये टर्की का पार्ट है। ओके, तो ये कौन सा मैंने बताया, ये बताया अल्बानिया, ये क्या है, ये आपका है नॉर्थ मैसेडोनिया, और इसी के ऊपर ये जो रीजन दिख रहा है, मैं इरेज करके दिखा रही हूँ, देखिए ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये वाला रीजन कौन सा है, ये एक्चुअली ये सर्बिया है, और सर्बिया में ही एक रीजन पड़ता है कोसोवो, और कोसोवो को इन्होंने इस तरीके से अलग करके दिखाया है, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे वो कश्मीर पाकिस्तान का दिखाते हैं ना, वैसे ही करके। तो यहाँ पर वैसे तो कोसोवो सर्बिया का ही रीजन है, लेकिन कोसोवो से उसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो सर्बिया भी न्यूज में है। ओके, सर्बिया की भी बॉर्डरिंग कंट्रीज। अब ये चीज मुझे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि अगर हम लोगों को बॉर्डरिंग कंट्री पूछेंगे उसमें कोसोवो आ गया, तो कोसोवो हम लोग डालेंगे कि नहीं डालेंगे। फिलहाल सर्बिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज और ग्रीस की बॉर्डरिंग कंट्रीज, ग्रीस की बॉर्डरिंग कंट्रीज, अब ये कौन सा सी है और ये कौन सा सी है। ओके, ये दोनों बहुत जरूरी है, तो ये आयोनियन सी है, और ये वाला कौन सा सी है, ये सब मैं रिकॉल करके बता रही हूँ, बिकॉज मैंने पहले प्रैक्टिस करी, अब मैं बता रही हूँ। ओके, तो ये आई थिंक है ये एजियन सी है। ओके, एजियन ये सी है। एड्रियाटिक सी कहाँ पर है, तो आयोनियन सी के जस्ट ऊपर आपको एड्रियाटिक सी मिलेगा। ठीक है, तो आयोनियन के जस्ट ऊपर आपको एड्रियाटिक सी मिल जाएगा, दैट इज वॉट हमें याद होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम और जाएं, तो मैंने आपको ग्रीस पूछा था, आपने ग्रीस बता दिया, अब मैं पूछ रही हूँ स्लोवानिया कहाँ पर है, बहुत छोटी सी कंट्री है। अब जब वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई स्लोवानिया कुछ अलग होके बना था, स्लोवानिया कहाँ पर है। इस, चलो मैं थोड़ा सा एरिया बताती हूँ, इस एरिया में कहीं पर मिलेगा, तो ये कहाँ पर है स्लोवानिया, स्लोवानिया ये पड़ेगा। ओके, स्लोवानिया की जस्ट ये कौन सा है स्लोवानिया की बॉर्डरिंग कंट्री में, और ये कौन सा है, इनके पड़ोसी और आस पड़ोस के लोग जरा पता कर लेते हैं। तो देखिए एक तो मिल जाएंगे इनको, ये है ऑस्ट्रिया और ये है हंगरी। हंगरी के जस्ट ऊपर कौन से, आप देखिए हंगरी की जब बात आ गई, तो हंगरी के बगल में कौन सी कंट्री है जो बहुत हीट कर रही है आजकल, वो हंगरी के बगल में जो हंगर से तड़प रही है वो है यूक्रेन। ठीक है, अब यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज तो भाई पूछ ली इन्होंने इस बार में ना, बेलारूस है ना, बेलारूस यहाँ पर है, बेल्जियम कहाँ पर है, ट्रिपल भी याद रखना है, कौन कौन सी अब आपको बताना है। मैंने देखो तो बेलारूस तो बता दी है ना, और एक और भी मैंने बता दी थी, एक तो बी यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, और एक बी यहाँ पर है। ओके, तो इसमें से ये दोनों, ये भी पता है, ये भी पता है, अब ये भी कौन सा है ये बताना है। ओके, और इसके बी के ऊपर एक है एन, वो कौन सा, एन कौन सा ये भी बताना है। ओके, तो
भाई याद करें। सुदर्शन सर का मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यही सेम पैटर्न अपना रही हूँ जिससे कि याद ज्यादा अच्छे से हो जाए, हम लोग को प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ओके, तो क्या है ये, बी कौन सा है? देखिए इधर रूस के बगल में अगर है तो ये हो गया बेलारूस, है ना। ओके, ये हो गया बेलारूस, है ना। रशिया ने बेला के फूल दिए इसको, तो बेलारूस हो गया, है ना। ओके, टर्की टर्की ग्रीस को देख के गाना गा रही है, मतलब ग्रीस का मतलब ची मस्का लगाना, तो वो टर्की ग्रीस को देख के गाना गा रही है, तो बुल्गारिया। ओके, अब ये कौन सा है बचा? ये बचा, एक चीज बची है। तो अब इन्होंने इनको फूल दे दिया, ये इनके लिए गाना गा रहे हैं, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, बचे शंकर देव। तो शंकर देव क्या होंगे? बैल के पास बैठ के जाएंगे ना, तो वो लास्ट में हो जाएगा बैल, तो बैल जियम। ओके, बेल से जाऊंगा मैं, तो बेल्जियम। तो हमेशा याद रखिएगा जर्मनी के बगल में। जर्मनी कौन है? जर्मनी बिल्कुल भोले बाबा के भक्त हो गए थे जब इतना विनाश कर लिए थे, तो इसलिए अब इनके बगल में कौन होगा? ये बैल से जाएंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास लेने, क्योंकि इतना तबाही मचा चुके हैं जर्मनी वाले, मतलब ऐसा ये लोगों का कहना था, बाय द वे नो कमेंट्स। तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे कि ये मुझे कंफ्यूज एक्चुअली कराए थे, तो इसलिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ। बेलारूस, और फिर बेलारूस के बाद नीचे कौन सा मैंने बताया, ये किसको देख के गाना गा रिया, तो बुल्गारिया। ओके, वैसे तो बुल नीचे है बाय द वे, है ना ये, लेकिन फिर भी ओके, सब कुछ भूल के गा रिया, ऐसे याद रख लीजिएगा। ओके, देन ये जर्मनी के बगल में कौन सा है? जर्मनी के बगल में एक बी है, और वो बी है सिंपल, कौन सा है? बेल जी एम, बेल से जाऊं जीएम, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यार, अब मैंने कौन कौन सी जगह बता दी मुझे फिर याद नहीं है। ओ माय गॉड, बाय द वे चलो, तो एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, अब ये इनके बगल वाला भी बता दिया, ये भी बता दिया, सब बता दिया, अब कौन सा बचा है? ये दोनों भाई साहब कौन बैठे हुए है ना। ओके, और ये इतने बड़े से ये कौन है ना, और ये कौन है भाई, काले धन वाले? ओके, और इनको तो पता ही होगा आपको, ये कौन सी जगह है, ये कौन सा सी पड़ता है? ओके, ये कौन सा सी पड़ता है? फिर इसके अलावा ये एक मैं जगह पूछ रही हूँ, मतलब एक्चुअली मेरा उंगली में इधर ही चली जाती है, बे ऑफ बिस्के कहाँ पर पड़ता है? आपको बे ऑफ बिस्के बताना है। ओके, और कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ था कहीं पर? ओके, कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ था कहाँ पर? हुआ था कार्टेजेना प्रोटोकॉल, वो भी बताना है, और कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है ये भी आपको बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हैं आप, बाय द वे सही हूँ मैं, ठीक है। तो ये है, ये कौन सी जगह है? ये है स्पेन, और स्पेन में इधर कहीं ये कार्टेजेना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस लिए याद होगा? कि भाई कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो था ना, ये था लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए, कि जब हम उनको मतलब ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट अगर उनका हो रहा हो, तो फिर कार्टेजेना प्रोटोकॉल से के थ्रू लीड डील किया जाता है। तो ये है भैया कौन, स्पेन है, इसके ऊपर फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर जर्मनी है, जर्मनी के ऊपर ओ माई गॉड ये है पोलैंड। ओके ओके, तो आपने सुना होगा ना चेन्नई एक्सप्रेस में पो, रेडी स्टडी पो। तो भाई जो जो लोग जर्मनी से भाग के मतलब आए थे, वट एवर हमारे नॉर्थ में ऐसा, मैं साउथ का सोचिए, है ना, आए थे, तो इसलिए वो गया पोलैंड, जस्ट टू रिमेम्बर, है ना। इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतनी सारी चीजें हो गई ना, सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट। ये कौन सा है फिर से पूछ लेगी, ये कौन सा है, ए कौन सा है, बी कौन सा है, ए कौन सा है, बी कौन सा है। ओके, तो ये है चेक रिपब्लिक, और ये है स्लोवाकिया है, आई थिंक स्लोवाकिया, हाँ, स्लोवाकिया ही है, क्योंकि वो हंगरी पोलर ईयर वॉक वॉक कर रहा था ना, तो इसलिए। तो ये स्लोवाकिया है, और स्लोवाकिया का जो भाई है स्लोवेनिया, वो नीचे इधर पड़ा हुआ है बेचारा, दूर दूर हो गए आपस में। ओके, और ये कौन सा है छुपा रुस्तम, ये कौन सा है फिर से बताइए? ये तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है, बस मुझे याद है कि ये है सर्बिया। ओके, सर्बिया के बगल में ये क्रोएशिया है फिर, अगर ये सर्बिया है तो ये क्रोएशिया है, ठीक है, ये क्रोएशिया है। ओके, तो ये हम लोगों ने पूरा पूरा कर लिया लगभग लगभग, है ना। बस ऊपर के ये तीन महिषासुर बचे हुए हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, है ना। ये कौन है? तो ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आई होप आई एम राइट।
ओ फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे नहीं है ये फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे है, सॉरी गलती कर दी मैंने, इधर से शुरू होता है, ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है और ये नॉर्वे, ओके। और ये बीच में कैलिनिन ग्रैड कहाँ पर, ये छोटू सा ये कैलिनिन ग्रैड है और ये है रशिया का, ठीक है, तो ये एक चीज याद रखेंगे, ओके। तो दिस इज डन। और डेनमार्क तो हम लोग, डेनमार्क तो भूल ही गए ना, डेनमार्क भूल गए, लेकिन डेनमार्क की वो भी बतानी पड़ेगी हम लोगों को कि वो क्या बोलते हैं उसकी जो कैपिटल है कोपेनहेगन, ओके, वो याद रखना है कि भाई कोप में, कोप देखिए कितना इसका ये मुंह नहीं लग रहा है बिल्कुल ऐसा डेन जैसा, बिल्कुल मतलब ऐसा शेर का जैसा कुछ भी जैसा भी मुंह लग रहा हो, डेनमार्क है ये, है ना। अगर ऐसा कभी प्रैक्टिस को आ जाएगा तो हम लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। बाय द वे ये ब्लैंक मैप में सब कुछ भर दिया हम लोगों ने, बाय द वे बस कुछ चीजें बाकी है, एक छोटा सा वो आयरलैंड और यूके, आयरलैंड और यूके के बीच का स्ट्रेट याद रखना मुझे लगता है जरूरी है, और तो मुझे, और जो कि मुझे अभी याद नहीं है, तो दैट इज ऑन हॉल्ट, ये सारा हम लोगों ने याद कर लिया। ग्रीस न्यूज में था, इंग्लिश चैनल न्यूज में था, और बे ऑफ बिस्के जो मैंने पूछा था वो इधर होता है, कार्टेजेना इधर होता है, कोपेनहेगन इधर है, और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये है, ये कालिनिनग्राद रशिया का है, ये है पोलैंड, ये है रूस ने दिया था बेला का फूल, तो बेलारूस, ये गा रहे थे भूल के सब कुछ एक गाना, तो बुल्गारिया, ये है रोमानिया, है ना, ओके। और रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, और सब कुछ हो गया ना, अरे ये तो भूल गया ना हम लोग कि ये कौन सी जगह पड़ी हुई है, ये तो मुझे भी अभी याद नहीं आई, ओके ओके, मालडोवा है, मालडोवा, ठीक है, तो मालडोवा याद हो गया, मालडोवा हो गया, ओके, ये मालडोवा है कह रहा था मुझे, छोड़ दिया, भूल गए मुझे, तो ये भी याद हो गया, ओके, तो ये पूरा का पूरा हमें याद हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ जस्ट जस्ट फॉर सेक कि ये कंट्री कौन सी है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, आप आसानी से बता देंगे मुझे लगता है, ये कौन सी कंट्री है, ये है पर्टिकुलरली आपकी ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, जर्मनी है, और आपको अब इसमें देखना भी नहीं है, मतलब ये तो आपके लिए हेल्प को दे रहे थे लेकिन आपको बिना देखे बताना है, जर्मनी है, जर्मनी के बगल में है चेक रिपब्लिक, चेक उसके बगल में हंगरी है, हंगरी हंगरी के साथ तो जो उधर उधर है उसका, इसका मुझे बॉर्डरिंग का याद नहीं आ रहा था एक्चुअली, तो ये मैं देख नहीं रही हूँ बाय द वे, तो ओके इटली, अब मतलब ऐसे करके याद कर लेना, फिलहाल अभी मैंने इतनी प्रैक्टिस की नहीं है फॉर नाउ, तो फिलहाल ऐसे ही याद करना है कि मैंने आपको बता दिया कि भाई ये कंट्री कौन सी, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज बताओ, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए। कैसे याद आएंगे, सर्बिया हमने याद कर लिया था, और सर्बिया का तो एक छोटा सा सॉन्ग भी पड़ा हुआ है उसमें, तो सर्बिया ये याद कर लिया था, सर्बिया के ऊपर क्रोएशिया है, ठीक है, ये है, और सर्बिया की ये बॉस्निया हर्जेगोवेनिया है, ओके, तो बॉस्निया हर्जेगोवेनिया, और इसके बगल में क्या है, ये मॉन्टेनिग्रो है, ये अल्बानिया है, ये नॉर्थ मैसेडोनिया है, मैंने बताया था कि ये गाने गा रहे हैं, ओके, तो ये सब चीजें हैं, और आई थिंक इट इज सफिशियंट, अभी इतना रिवीजन काफी है, फिर रिवीजन करेंगे स्लोली ग्रेजुअली एंड अ लिटिल बिट डेप्थ ऑल्सो विल इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू।